हेलो, व्हाट इज अप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप ऑल आर डूइंग गुड गाइस। आज हम लेके आए हैं फिफ्थ एपिसोड ऑफ आवर स्पोर्ट्स न्यूज। तो गाइस, बहुत सारे अपडेट हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान के टेस्ट सीरीज में, जो कि पहला टेस्ट खेला गया था 5 अगस्त से, और कल फोर्थ डे में इसका रिजल्ट आया, जो कि इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 3 विकेट से हराया। गाइस, काफ़ी अच्छा टेस्ट मैच था, काफ़ी कॉन्टेस्ट था। अगर आपको इसका हाईलाइट कहीं और नहीं मिल रहा है तो आप इंग्लैंड के जो ऑफिशियल वेब यूट्यूब चैनल है उस पर आप देख सकते हैं। मैं इसका डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में दे दूंगा। गाइस, तो बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की ओर। ICC ने ये कंफर्म कर दिया है गाइस कि जो 2021 का वर्ल्ड कप होगा, जो होगा इंडिया में T20 वर्ल्ड कप, और 2022 का T20 वर्ल्ड कप होगा ऑस्ट्रेलिया में। गाइस, और जो 2021 का वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप होने वाला था 50 ओवर्स का वन डे का, वो पोस्टपोन हो गया है 2022 में गाइस, ड्यू टू कोरोना वायरस ऑब्वियसली। सो गाइस, बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की ओर। गाइस, BCCI ने फ्रेंचाइजेस को 16 पेज का डॉक्यूमेंट भेजा, जहाँ पे डिटेल में लिखा हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के बारे में, जो कि IPL 2020 में यूज किए जाएंगे UAE में। गाइस, तो बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। तो गाइस, जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि BCCI का किट का स्पॉन्सरशिप विद द नाइकी खत्म हो गया था, और BCCI ने एप्लीकेशन दिए थे कि और कोई अगर खरीदना चाहते हैं तो वो प्लीज करें डेट, ठीक है। तो इसमें पूमा ने गाइस किट स्पॉन्सरशिप का डॉक्यूमेंट जो है खरीद लिया है। आपके नाइकी के जगह में पूमा का लोगो दिखेगा इंडिया के जर्सीज में। गाइस, तो पढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। तो अब हम बात करने वाले हैं गाइस UEFA चैंपियंस लीग के बारे में, जो कि एक फुटबॉल का टूर्नामेंट है। और गाइस, इसका लास्ट में जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 12 मार्च को हुआ था, उसके बाद इसका मैच कल खेला गया, जो कि मैनचेस्टर सिटी वर्सेस रियल मैड्रिड था, जिसमें मैनचेस्टर सिटी ने रियल मैड्रिड को 2-1 से हराया। जुवेंटस वर्सेस लियोन था, जिसमें जुवेंटस ने लियोन को 2-1 से हराया। बार्सिलोना वर्सेस नेपोली था, नेपोली को बार्सिलोना ने 3-1 से हराया। बायर्न म्यूनिक वर्सेस चेल्सी था, जिसमें चेल्सी को बायर्न म्यूनिक ने 4-1 से हराया। गाइस, तो गाइस अब इसका क्वार्टर फाइनल्स भी तैयार हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं क्वार्टर फाइनल फिक्स्चर्स आ चुके हैं, जो कि थर्सडे 13 अगस्त से लेके 16 अगस्त, जो कि संडे है, जो 4 दिन में रहेगा, क्योंकि पहला क्वार्टर फाइनल खेला जाएगा एटलांटा वर्सेस पेरिस, ठीक है। दूसरा क्वार्टर फाइनल खेला जाएगा RB लेपजिग वर्सेस एथलेटिको डी मैड्रिड। तीसरा क्वार्टर फाइनल खेला जाएगा बार्सिलोना वर्सेस बायर्न, और चौथा क्वार्टर फाइनल खेला जाएगा मैनचेस्टर सिटी वर्सेस लियोन के बीच। गाइस, और सारे के सारे मैच 12:30 AM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में आपको मिल जाएंगे। अभी आपके पास सोनी का चैनल्स है स्पोर्ट का, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, वरना मोबाइल में देखना है तो आप वही जैसे मैंने बताया था सोनी लीव या अदर जो प्लेटफॉर्म स्ट्रीम प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। गाइस, तो पढ़ते हैं अभी न्यूज़ की ओर। अब हम बात करने वाले हैं NBA के बारे में। गाइस, तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, आज रात को जो मैचेस हुआ था उसमें नगेट्स वर्सेस जैज हुआ था, पेसर्स वर्सेस लेकर्स, हील सन्स, मैवरिक्स वर्सेस बक्स, जो कि अभी फिलहाल मेरे रिकॉर्डिंग के वक्त चल रहा है उनका मैच, जिसमें बक्स मैवरिक्स को लीड कर रहे हैं 88-85 से, और पिन लाइव स्कोर यहां से आप देख सकते हैं। गाइस, Q3 दिखा रहा है, मेरे को पता नहीं ये क्या है। और गाइस, आज रात के मैच 10 बजे हैं, थंडर वर्सेस विजर्ड्स, रैप्टर्स वर्सेस ग्रिजलीज 11:30 बजे हैं ये, और कल सुबह ये सारे मैचेस हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, पॉज करके आप रोक के देख सकते हो। गाइस, तो गाइस बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की ओर। तो गाइस, अब हम बात करने वाले हैं वन चैम्पियनशिप 2020 के बारे में, जो कि एक मार्शल आर्ट्स यानी किक बॉक्सिंग टूर्नामेंट है गाइस, जिसका भी बहुत सारे मैचेस होने वाले हैं, जो कि अल्टीमेट एक शोडाउन भी होने वाला है, जो कि होगा 14 अगस्त को, जैसे कि आप लोग हॉटस्टार पे देख सकते हैं। आप लोग हॉटस्टार पे जाके ये टूर्नामेंट को पूरे अच्छे से फॉलो कर सकते हैं, नो सरेंडर 2 जो कि टैगलाइन है, तो इस तरह से गाइस इसको फॉलो कर सकते हैं हॉटस्टार से। गाइस, बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। तो गाइस, अब हम बात करेंगे F1 रेसिंग के बारे में, जो कि अभी चल रहा है 70th एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स, जो कि थोड़ी दिन में प्रैक्टिस हुआ था, और कल था क्वालिफाइंग राउंड, जिसमें लुइस हैमिल्टन, जो कि रिसेंटली कंक्लूडेड ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स के विनर थे, वो अपने ही टीममेट्स जो कि मर्सिडीज के टीममेट हैं वाल्टेरी बोट्टास से हार गए जस्ट 0.063 सेकंड से, और ये मतलब
वोटास जो था उन्होंने सिल्वर स्टोन जीत लिया है गाइस। तो गाइस आप अगर इसके भी हाइलाइट्स देखना चाहते हैं तो हॉटस्टार पे आपको स्पोर्ट्स सेक्शन पे आपको मिल जाएगा गाइस। तो गाइस और एक मैं न्यूज़ बताना चाहता हूँ कि हॉटस्टार के स्पोर्ट्स सेक्शन पे ही मेरे को ई स्पोर्ट्स का भी एक और मतलब वो दिख रहा है सेक्शन, जहाँ पे हम मतलब गेमिंग करियर का टूर्नामेंट देख सकते हैं गेमिंग से रिलेटेड गाइस, जो कि बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। पूम के साथ पबजी मोबाइल से शुरू हो गया है ई स्पोर्ट्स का भी करियर यहाँ पर इंडिया पर गाइस, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे फीफा खेला जा रहा है, क्लैश ऑफ क्लैंस दिखा मेरे को, सी एस गो, इस तरह से वहाँ पे भी स्पोर्ट्स के सब टूर्नामेंट्स का हाईलाइट दिखा रहा है गाइस, जो कि इंडिया में हो रहे हैं। ओके तो होप सो कि मैं आप सबको अपडेटेड कर पाया स्पोर्ट्स की दुनिया से गाइस। ओके तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हाई फाई।